For working on data mining applications, we need to acquire clean and neat data. अब जब ये नीट डेटा हमने जनरेट करना है तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग. अब जब ये डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि डेटा डर्टी क्यों होता है. व्हाट आर द सोर्सेज विच कन्वर्ट डेटा इनटू अ नॉइजी और डर्टी डेटा. यहां पर मैंने 5 डिफरेंट रीजंस लिखी हैं कि डेटा को नॉइज में या डेटा को डर्टी में या प्री प्रोसेसिंग की नीड के लिए कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो कन्वर्ट करती हैं. दोज रीजंस आर नॉइज, इनकम्प्लीटनेस, इनएक्यूरेसी, इनकंसिस्टेंसी एंड टाइमलीनेस. लेट्स सी दीज रीजंस वन बाय वन. नंबर वन इज नॉइज. नॉइज एज डिफाइंड अर्लियर, इट्स बेसिकली एनीथिंग विच इज अनवांटेड इन आवर गिवन डेटा. हाउ दिस नॉइज इज प्रोड्यूस्ड और इंट्रोड्यूस्ड इन एनी डेटा. बिगेस्ट रीजन इज बेसिकली फॉल्टी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, कि जब हमने डेटा को एक्वायर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए दोज वर फॉल्टी. इससे मुराद क्या है कि लेट्स से कि अगर हम टेम्परेचर का डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारे जो इक्विपमेंट था डेट वॉज ओल्ड, उसमें इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी अच्छी नहीं थी डेटा को एक्वायर करने की. या हमने लेट्स से कि वेटिंग्स की, हमने वेट्स मैयर करने थे तो जो हमारे पास वेट मशीन्स थी दे वर टू ओल्ड, ब्रोकन, डैमेज और वट एवर. तो उन्होंने जो डेटा को जनरेट किया दैट वॉज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. अब वो जब डेटा जनरेट किया गया तो वो नॉइज उसमें आया और वो प्रोपेगेट कर गया. देन ह्यूमन और कंप्यूटर एरर एट डेटा एंट्री. लेट्स से कि हमारे पास जो कंप्यूटर डेटा इंसान बैठा, ह्यूमन जो है, हमारे जो डेटा सेट से उनकी एंट्री कर रहा था हमारे प्रोग्राम में, उस वक्त उसने कोई मिस्टेक की. जैसे लेट्स से कि इंसान थकावट की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से डेटा एंट्री के वक्त कोई गलती कर देते हैं. लेट्स से कि कहीं पे उन्होंने 10 लिखना था एंड दे पुट 100. तो अब ये एरर जो है प्रोपेगेट कर जाएगा और ये ह्यूज नॉइज जनरेट करेगा. सिमिलरली द थर्ड एरर इज एरर्स ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन. जैसे कि लेट्स से कि हमने कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है, हमने अपना डेटा पे काम किया लेकिन हम उसे सेव करना भूल गए और हमने वही डेटा एज इट इज कहीं आगे सेव सेंड कर दिया. तो अब ये जो नॉइज आया या ये जो ट्रांसमिशन वाला एरर आया ये अगेन प्रोपेगेट करेगा, आगे ज्यादा फैलेगा. देन वी हैव इनकम्प्लीटनेस इन डेटा. इनकम्प्लीटनेस से मुराद क्या होता है कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो मिसिंग थी. जैसे लेट्स से कि हम एक डेटा सेट पे काम कर रहे थे जिसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल डेटा की इंफॉर्मेशन थी. हमने यूजर से पूछा कि जी एंट्री करें अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, और यूजर ऐसा था जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था. तो अब क्या हुआ कि अब हमारे पास ऐसा डेटा जो डेटा कलेक्शन के बाद एप्लीकेबल नहीं था, मौजूद नहीं था, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास रह गई. अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है कि जब हमने डेटा कलेक्शन की और जो हमारे पास जब हम टाइम एनालाइज कर रहे हैं उन दोनों के दरमियान ह्यूज डिफरेंस है या ह्यूज टाइम गैप है. तो होता क्या है कि कई ऐसी टर्म्स जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डाई कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं. तो ये भी हमारे पास इनकम्प्लीटनेस के डेटा के अंदर आता है. अब इसमें कौन फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो ये जो डर्टी या ये नॉइज जो है वो जनरेट करते हैं. दैट दोज कैन बी ह्यूमन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. यानी कि इनकम्प्लीटनेस जो है जो तीनों की वजह से हो सकती है, कि ह्यूमन की वजह से भी कि उसने मिस कर दिया डाटा, राइट नहीं किया. हार्डवेयर के अंदर क्या है कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है. सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि वो मिसिंग वैल्यूज को डील नहीं करता. देन वी हैव इनएक्यूरेसी डाटा. एक्यूरेसी से मुराद क्या होता है कि जो डाटा है दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी, एक्यूरेट है, बिल्कुल प्रिसाइज है, वो बिल्कुल सही वैल्यूज जनरेट कर रहा है. अब इसके अंदर हमारे पास कैसे इनएक्यूरेसी कैसे जनरेट होती है. सबसे ज्यादा इनएक्यूरेसी की जो वजूहात है उनमें से कुछ यहाँ पे हमने लिखी कि हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन हम डिफरेंट यूज करें. लेट्स से जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर हम कहीं पर जब हम एज की वैल्यू बात कर रहे हैं तो कहीं पर हम कहते हैं कि जी आपने एज ग्रुप बताना है अपना, लेकिन आपने बताना है कि 1 to 10 ईयर्स ओल्ड, उसके बाद 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन. और कहीं पर जब डेटा को हम कलेक्ट करें तो वहां पर हम कहें नहीं आपने ग्रुप बताने हैं चाइल्ड, यंग, एडल्ट एंड ओल्ड. अब ये दोनों सेम इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन जब हम डेटा को एक्वायर कर रहे हैं तो हम दोनों जगहों पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं. तो अब जो डेटा आएगा वो एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो इनएक्यूरेट होगा, उसमें गलतियां मौजूद होंगी. सिमिलरली हमारे पास डुप्लीकेट टप्पल्स. टप्पल से मुराद होता है कि जो हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं वो कैसे रो वाइज कैसे लिखी गई हैं या एट्रीब्यूट की वैल्यूज कैसे रो वाइज हमने लिखी हैं. तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो रेप्लीकेट हो रही होती हैं, डुप्लीकेट हो रही होती हैं, बार बार लिखी जा रही हैं, रेपिटिशंस होती हैं.
तो ये भी डेटा को इनएक्यूरेट कर देती है, इसमें खराबियां जनरेट कर देती है। देन वी हैव इनकंसिस्टेंसी एंड टाइमलीनेस। इनकंसिस्टेंसी से मुराद क्या है कि हमने जो डेटा एक्वायर किया दैट इज फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्स, और इसी तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी वायलेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी वायलेशन से मुराद क्या है कि जो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर डेटा। जैसे लेट्स से कि अगर मैं एज की बात करूं, मैं कहीं से डेटा से मैं क्यूरी लगाता हूं जिसके अंदर मैं आई ट्राई टू फाइंड आउट एज ऑफ माई यूजर्स, या मेरे पास एक अगेन फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि एक बैंक के कौन कौन से कस्टमर्स हैं, और अगर हम एक क्यूरी लगाते हैं कि जिसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि उन कस्टमर्स की एजेस क्या हैं, और लेट्स से कि अगर कस्टमर्स ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं लिखी हुई तो वो एज को रिटर्न सही नहीं करेंगे। तो अब होगा क्या कि डिपेंडेंसी है एज फाइंडिंग की ऑन डेट ऑफ बर्थ। सिमिलरली डेटा कलेक्शन नॉट ऑन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इससे मुराद क्या है कि हम जितना डेटा कलेक्ट करना चाह रहे थे उतना नंबर ऑफ डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये भी चीज हमारे पास अंडर द हेडिंग ऑफ इनकंसिस्टेंसी एंड टाइमलीनेस आएगी कि जो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डेटा जनरेट करना चाह रहे थे उतना डेटा हमारे पास जनरेट नहीं हो पा रहा।